गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 BLM, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकंड ईयर हिस्ट्री पर मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सल्तनत काल की आर्थिक दशा। सल्तनत काल की आर्थिक दशा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सल्तनत कालीन समाज की सामाजिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो जैसा कि भारतीय इतिहास में 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, इस काल में अनेक महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को विस्तारित किया था और भारतीय राजनीति को भी काफ़ी प्रभावित किया था। इन शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इसके अलावा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी आदि महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने समाज और राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया था। तो सल्तनत काल में भारतीय समाज दो भागों में बंटा हुआ था, परंपरागत हिंदू समाज जो कि मुस्लिम आक्रमणों से संघर्ष कर रहा था और जिसने हिंदू समाज को अधिक रूढ़िवादी बना दिया था। दूसरा मुस्लिम समाज था, यद्यपि संख्या में कम जरूर था लेकिन विजेता होने के कारण अधिक शक्तिशाली बना हुआ था। अपनी सामाजिक अवधारणाओं के कारण ही इसमें गतिशीलता रही। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना मुस्लिम शासक अपना मुख्य कर्तव्य मानते थे। सल्तनत काल की सामाजिक दशा में पहला है वर्ग विभाजन। सल्तनत काल की सामाजिक दशा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत वर्ग विभाजन था, अर्थात समाज मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में बंटा हुआ था। मुस्लिम समाज वास्तव में शासक वर्ग था जबकि हिंदू समाज शासित वर्ग। मुस्लिम समाज भी दो भागों में बंटा हुआ था, विदेशी मुसलमान और भारतीय मुसलमान। मुस्लिम समाज भी दो भागों में बंटा हुआ था, विदेशी मुसलमान भारतीय मुसलमान। तो सल्तनत काल में विदेशी मुसलमान वर्ग का सर्वाधिक सम्मान रहा था। राज्य के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर इन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाती थी। समाज और राजनीति में भी यह वर्ग शक्तिशाली बना हुआ था जबकि दूसरा था भारतीय मुसलमान। ये वह लोग थे जिन्हें बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना लिया गया था, वास्तव में ये पहले हिंदू थे। इन लोगों को प्रशासन के निमन पदों पर ही
नियुक्ति प्रदान की जाती थी तथा इन्हें कोई विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। फिर है हिंदू समाज, मुस्लिम समाज दो भागों में बंटा हुआ था, देशी मुसलमान शास्त्रीय मुसलमान। फिर है हिंदू समाज, तो सल्तनत काल में हिंदू समाज के अंतर्गत जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि भावनाएं फैली हुई थी। हिंदू समाज के लोग अनेक जातियों उपजातियों में बंटे हुए थे। मुसलमानों के आगमन से जातिगत बंधन और अधिक कठोर हुए थे। हिंदू लोग जादू टोना में विश्वास रखते थे। बलि प्रथा, जौहर प्रथा आदि बुराइयों के ये शिकार बने हुए थे। कुल मिलाकर हिंदुओं की दशा खराब ही थी। उन्हें प्रशासन के निम्न पदों पर ही नियुक्ति मिलती थी। ये लोग बहुमूल्य वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। इनके साथ मुस्लिम शासकों के द्वारा कठोर अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। हिंदू लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त ना थी। इन्हें अपने रीति रिवाजों का पालन करने की भी छूट नहीं थी। मुस्लिम लोग हिंदू कन्याओं का अपहरण कर लेते थे और इनसे बलपूर्वक विवाह कर लेते थे, जिससे हिंदू समाज के अंतर्गत बाल विवाह की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। दास प्रथा, दास रखने का शौक हिंदू मुसलमान दोनों में था। जिस वर्ग के पास जितने अधिक दास होते थे वह परिवार उतना ही प्रतिष्ठित माना जाता था। अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे तो फिरोज दुगलत के पास 1,80,000 थे। दासों का क्रय विक्रय खुले बाजारों में होता था। इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। इनकी देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था। फिर स्त्रियों की दशा, तो इस प्रकार सल्तनतकालीन समाज के अंतर्गत स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। इन्हें पुरुष वर्ग से हीन माना जाता था। स्त्रियां पूर्णतः पुरुषों पर ही निर्भर थी। पुत्री के रूप में वह पिता के संरक्षण में रहती थी। पत्नी के रूप में वह पति के नियंत्रण में रहती थी। वृद्धावस्था में वह अपने बच्चों के नियंत्रण में रहती थी। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित हो गया था। कुछ वर्गों में लड़की के जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। सामाजिक धार्मिक उत्सवों में भी स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। श्री एन श्रीवास्तव ने बताया भी है, एन श्रीवास्तव ने बताया कि सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा काफी खराब हो गई थी। मुसलमानों के भय और अत्याचारों से बचने के कारण ही हिंदू लोगों ने अपनी कन्याओं का छोटी उम्र में ही विवाह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम शासक हिंदू कन्याओं का अपहरण कर लेते थे। प्रजा प्रथा का प्रचलन इसी कारण से हुआ था। सती प्रथा, जोहर प्रथा आदि का उस समय प्रचलन था। रानी पद्मिनी रितोड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। इन्होंने अलाउद्दीन से बचने के लिए जोहर कर दिया था। मुस्लिम स्त्रियों की दशा भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन्हें भी अपने पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। लेकिन मुस्लिम स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। मुस्लिम स्त्रियों को भी घर की चार दीवारी में ही कैद रहना पड़ता था और अपने पति के नियंत्रण में रहकर कार्य करना होता था। मुस्लिम समाज की स्त्रियों में प्रजा प्रथा, बहुविवाह, अशिक्षा, रखेल प्रथा आदि समस्याएं बनी हुई थी। तुलनात्मक दृष्टि से मुस्लिम स्त्रियों की दशा कुछ ठीक थी कि अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी, पति को तलाक दे सकती थी, इसके अलावा पुनर्विवाह कर सकती थी। फिर वस्त्राभूषण, तो सल्तनत काल में साधारणतः हिंदू पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनते थे। सूती ऊनी रेशमी वस्त्रों का प्रयोग उस समय किया जाता था।
मुसलमानों में उत्तम वस्त्रों का प्रयोग अधिक होता था। ये बहुमूल्य रंगीन वस्त्र धारण करते थे, उलेमा वर्ग साफा बांधते थे, लंबा कुर्ता पहना करते थे। उच्च वर्ग के लोग भोजन में सोने चांदी के बर्तन काम में लेते थे। कुछ राजपूत जो सामंत थे कान में बाली भी पहनते थे, पैरों में कड़ऊ पहना जाता था। स्त्रियां नाना प्रकार के अंग उपकरणों का प्रयोग करती थी, नेत्रों में काजल, मांग में सिंदूर, हाथों व पैरों में मेहंदी लगाया करती थी। अबुल हसन ने भी स्त्रियों के 16 श्रृंगारों का वर्णन किया है। फिर है खान पान। खान पान का स्तर भी ऊंचा था। कुछ लोग शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी भी थे, कुछ मांस नहीं खाते थे। इसके अलावा चावल, दूध, गेहूं, जौ आदि का सेवन उस समय किया जाता था। मांसाहार मुस्लिम समाज के अंतर्गत प्रचलन में था। उत्सव त्योहारों पर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे। हिंदू या मुस्लिम दोनों ही जो लोग हैं शराब का सेवन भी करते थे। फिलहाल का मनोरंजन के साधन, तो संस्कृतकालीन समाज के अंतर्गत मनोरंजन के अनेक साधन थे। संगीत, नृत्य, अखेर, चौपड़, शतरंज, पशु पक्षियों के युद्ध आदि समय महत्वपूर्ण साधन थे मनोरंजन के। इसके अलावा मेले और त्यौहार भी उस समय उत्साहपूर्वक मनाए जाते थे। अमीर लोग शिकार के द्वारा अपना मनोरंजन किया करते थे। शतरंज भी उस समय का एक लोकप्रिय खेल रहा था। तो असमाजी दशा की जानकारी हमने प्राप्त कर दी थी पिछले वीडियो में, संक्षेप में जानकारी आपको फिर एक बार दे दी गई है। आइए हम देखते हैं शासनकालीन समाज की आर्थिक दशा किस प्रकार से रही थी। तो आर्थिक दशा में पहला है कृषि, नंबर एक है कृषि। तो आज की ही बात थी, संस्कृतकालीन समाज होता वह कृषि प्रधान था। आज की ही भांति संस्कृतकालीन समाज कृषि प्रधान रहा था। हल, कस्सी, खुरपी, बैलों की जोड़ी कृषि कार्य में प्रयोग में लिए जाते थे। उस समय गेहूं, जौ, चावल, कपास, गन्ना, तिलहन आदि की खेती की जाती थी। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों का उत्पादन होता था। फलों में आम, अंगूर, केले, खरबूजा, अंजीर, जामुन आदि होते थे। औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, मसाले काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते थे। औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, मसाले काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते थे। खेती वर्षा पर निर्भर थी। किसान खेत जोतता था, फसल बोता था, काटता था। स्त्रियां घर गृहस्थी का कार्य संभालती थी, पशुओं की सेवा करती थी, बच्चों की देखरेख किया करती थी। अधिकतर भागों में वर्ष में दो फसलें पैदा की जाती थी, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो इस प्रकार आज की ही बात थी, संस्कृतकालीन भारत कृषि प्रधान देश रहा था। नंबर दो है उद्योग, नंबर दो है उद्योग धंधे। संस्कृत काल में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलन में थे। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग उस समय रहा था। इसके साथ साथ अन्य उद्योग धंधे भी प्रचलन में थे। सोने और जरी का काम, रंगाई छपाई का व्यवसाय भारत के अनेक नगरों में उस समय किया जाता था। सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उस समय उत्पादन किया जाता था। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों
का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। इसके अलावा कागज बनाने, शक्कर बनाने, पत्थर की कटाई, खनिज उद्योग, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत की वस्तुएं बनाने, आभूषण बनाने, धातु उद्योग आदि भी उस समय प्रचलन में रहे थे। इस प्रकार शासनकालीन समाज में अनेक उद्योग धंधे प्रचलन में थे। वस्त्र उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग था। इसके अलावा सोने की जरी का काम, रंगाई छपाई का व्यवसाय भारत के अनेक नगरों में किया जाता था। सूती ऊनी रेशमी वस्त्रों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। इसके अलावा कागज बनाने, शक्कर बनाने, पत्थर की कटाई, खनिज उद्योग, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत की वस्तुएं बनाने तथा आभूषण बनाने आदि उद्योग उस समय प्रचलन में थे। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य तो सल्तनतकालीन समाज के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में रहा था। आंतरिक और विदेशिक व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। दिल्ली उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र था। दिल्ली उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र था। दिल्ली उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र रहा था। भारत के ईरान, अरब, अफ्रीका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे। इन देशों के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा विदेशी व्यापार जो था जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। विदेशी व्यापार जल और थल दोनों ही मार्गों से किया जाता था। भारत से विदेशियों को भेजी जाने वाली कई वस्तुओं में सूती ऊनी रेशमी वस्त्र, नील जस्ता, पीतल, चंदन, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधि आदि थी। जबकि भारत में बाहर से आने वाली वस्तुओं में सोना, अरबी घोड़े अधिक थे। मुख्य रूप से थे। देश का जो निर्यात है उसके आयात से काफी अधिक मात्रा में था। इससे भारत में आर्थिक संपदा में वृद्धि होती थी। सामान्य रूप से देश की आर्थिक दशा कुल मिलाकर अच्छी थी। सल्तनतकालीन समाज के अंतर्गत देश की आर्थिक दशा अच्छी थी। नेक्स्ट है धन की प्रचुरता। धन की प्रचुरता सल्तनतकालीन समाज में देश में अतुल मात्रा में धन संपत्ति थी। व्यापारियों और कारीगरों की संपत्ति की रक्षा उस समय की जाती थी।
सुल्तान की शान शौकत जो थी काफ़ी निराली थी, सुल्तानों की शान शौकत काफ़ी निराली थी। विदेशी अमीर सरदारों ने भी धन को देश से बाहर कभी नहीं भेजा। विदेशी अमीर सरदारों ने भी देश को सॉरी विदेशी अमीर सरदारों ने भी धन को देश से बाहर नहीं भेजा था। अमीरों सामंतों सरदारों आदि के घरों में अतुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की गई थी। व्यापार भी उस समय बड़े पैमाने पर होता था सल्तनत काल में धन के विभाजन में काफ़ी विषमता थी। सल्तनतकालीन समाज के अंतर्गत धन के विभाजन में काफ़ी विषमता थी, अर्थात सामाजिक असमानता पाई जाती थी। एक ओर अमीर सरदारों व्यापारियों के पास काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति थी तो दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी था जो पूरा दिन मेहनत तो करता था लेकिन भर पेट भोजन वह नहीं कर पाता था। तो इस प्रकार सल्तनतकालीन समाज के अंतर्गत आर्थिक दशा कुल मिलाकर अच्छी रही थी, देश धन संपन्न बना हुआ था। तो इसके साथ ही सल्तनतकालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक दशा यही समाप्त होती है। तो आइए अब हम एक नज़र डालते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य तो नंबर एक है आरी के मुमालिक। आरिज ए मुमालिक अर्थात सैन्य विभाग का प्रधान था। सैनिकों की भर्ती करना इसका मुख्य कार्य रहा था। नंबर दो पर है इंशा ए मुमालिक। तो ये पत्राचार का विभाग का प्रधान था। नेक्स्ट है रसालत ए मुमालिक। तो ये विदेशी विभाग का प्रधान रहा था। नेक्स्ट है वकील ए दर। तो शाही महल एवं सुल्तानों की व्यक्तिगत
सेवाओं का ये प्रबंध करता था। वकील ए दर शाही महल एवं सुल्तानों की व्यक्तिगत सेवाओं का ये प्रबंध करता था। नेक्स्ट है अमीर ए हाजिज तो दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करना इसका मुख्य कार्य था। इसके अलावा दीवाने रियासत बाजार पर नजर रखने वाला, दीवान एक रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला ये अधिकारी था। शहना ए मंडी ये बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करता था। शहना ए मंडी जो कि बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच किया करता था। नेक्स्ट है मुहतासी लोगों के आचरण पर नजर रखने वाला, अर्थात लोगों के आचरण पर नजर रखने वाला मुहतासिब कहलाता था। इसके अलावा सदर उस सुदूर धन विभाग का प्रमुख था, सदर उस सुदूर ये धन विभाग का प्रमुख सदर उस सुदूर कहलाता था। अतः यह धर्म विभाग का प्रमुख व्यक्ति था। फिर है काजी उल कुजार, काजी उल कुजार काजी उल कुजार अर्थात न्याय विभाग का प्रमुख था। काजी उल कुजार ये न्याय विभाग का प्रमुख था। इसके अलावा एक मुक्ति नामक अधिकारी भी होता था। इसका कार्य धर्म की व्याख्या करना होता था। मुक्ति नामक अधिकारी धर्म की व्याख्या करता था। जबकि अमीर ए दार ये बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। अमीर ए दार बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। इसके अलावा कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायी रिसीवर था। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का प्रमुख कर्तव्य था। ये प्रमुख रूप से सदर काल के अधिकारी रहे हैं और इनके कार्य। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।